तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास उमेश यादव जी है जो कि मलेशिया से उन्होंने ज्वाइन किया है हमारे इस कोर्स को जूम ऐप के थ्रू लाइव इंटरेक्टिव। तो उमेश यादव, चलिए हम आपके साथ आज स्टार्ट करते हैं एक्सेल की। हालांकि जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको एक वीडियो भेजा था देखने के लिए और आपने उस वीडियो को कंप्लीट किया। बेसिकली वो वीडियो था प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग का, जो कि लेवल 2 नाम के नाम से है। तो आज हम बात कर रहे हैं आज की सेशन में कि हम किस तरीके से एक्सेल का यूज करेंगे, मोटिव क्या है वगैरह वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेल का यूज क्या है, राइट? एक्सेल का यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कहाँ कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, जॉब ओरिएंटेड है या नहीं है, जॉब प्रोफाइल में किस तरह की हेल्प करता है वगैरह वगैरह, इन चीजों पे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये है क्या? तो बेसिकली एक एनालिटिक टूल्स है, समझ गए? अब और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, कम कॉस्ट में है, एवरीवेयर अवेलेबल है। आपको मैं क्लाइंट में कभी भी ऐसा पीसी नहीं देखा जिसमें एमएस ऑफिस ना हो। क्या सर, आपने देखा है? जी ऐसा तो कभी सभी बिजनेस में हाँ, अगर एमएस ऑफिस नहीं है तो एक्सेल व्यूअर जरूर होगा, ओपन ऑर्ग होगा, मतलब स्प्रेडशीट होना ही है। तो ये जो सामने आपका एक्सेल खुला हुआ है इसको स्प्रेडशीट कहते हैं जी। तो रो एंड कॉलम होता है इसमें। अब इसका यूजेस मान लीजिए, हम इसका यूज करते हैं सबसे पहला यूज होता है मिसलेनियस डेटा। यहाँ पे मिसलेनियस डेटा स्टोरेज सबसे पहला यूज है। तो आप बोलोगे सर ये डेटाबेस क्यों नहीं है, डेटा स्टोरेज क्यों नहीं है, मिसलेनियस डेटा स्टोरेज क्यों? क्योंकि सर एक्सेल एक डेटाबेस नहीं है, एक्सेल डेटाबेस के किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता है। सो दिस इज नॉट अ डेटाबेस। लेकिन हम मिसलेनियस डेटा को स्टोर करते हैं, क्यों? अब जैसे मान लीजिए कि आपकी टैली है, अकाउंट्स यूज करते हैं तो टैली है, डेटाबेस है, ऑरिकल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। लेकिन मिसलेनियस डेटा, मान लीजिए कि आपको पेटी केस का रिकॉर्ड रखना है तो आप फोटो स्टेट का आपने 5 रुपए कराया, तो इसके लिए आप टैली में या फिर सैप फीको में लेजर तो नहीं बनाओगे ना कि हाँ फोटो स्टेट 5 रुपया। तो वहां पे मिसलेनियस का पेटी केस का एक लेजर बनेगा और पेटी केस का पूरा रिकॉर्ड एक्सेल पे स्टोर करेंगे। ऐसे ही पेरोलिंग सॉफ्टवेयर यूज करें कि अटेंडेंस पे एक्सेल भी यूज करोगे। तो जो डेटा मिसलेनियस है जिसको हम इस पे किसी डेटाबेस पे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि डेटाबेस पे स्टोर करने के लिए टेबल फॉर्म क्यूरी बहुत सारी चीज करना पड़ेगा, इसलिए हम उसको एक्सेल में स्टोर करते हैं, राइट सर? राइट। तो मिसलेनियस या स्मॉल डेटा भी आप कह सकते हैं कि स्मॉल डेटा स्टोरेज। जैसे मैं हूं तो मैं अपना पूरा डेटा एक्सेल पर रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्मॉल डेटाबेस है। तो पहला यूज तो डेटा स्टोरेज का हो गया। अब दूसरा यूज जो होता है वो होता है आपका डेटा समराइजेशन, समरी का, समरी कर लीजिए या डेटा एनालिटिक्स कर लीजिए, डेटा एनालाइजिंग कर लीजिए, उसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास, मेरे पास एक डेटा आया, मेरा डेटा है, एक डेटा सेल्स का है, आपके सामने मैं सेल्स का डेटा खोल रहा हूँ। मुझे इसमें जस्ट पता करना है कि सेल्स पर्सन वाइज टोटल अमाउंट कितना है, राइट सर? तो इस चीज के लिए एक्सेल बड़ी आसान तरीके से, इसमें हम पिवट लगाएंगे और बड़ी आसान तरीके से विद इन मिनट में, मिनट के अंदर में सर, विद इन मिनट में आपको जो है, यहां मैंने यहाँ पे सेल्स पर्सन को रखा और मैंने यहाँ अमाउंट को रखा, ठीक है? हमारा रिपोर्ट तैयार हो गया। हो गया सर जी। एक मिनट से कम टाइम लगा, बहुत कम टाइम। डेटा एनालिसिस के लिए या डेटा समरी के लिए या किसी तरह की इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल को, समझ में? जी जी। उसके बाद अगला जो यूज है रिप्रेजेंट। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेटा को मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट या किसी तरह का इंफॉर्मेशन या किसी तरह का चीज शो करना, तो जनरली लोग पावर पॉइंट पे शो करते हैं क्या? जी, जी हम उसको एक्सेल में भी शो करते हैं। कब? जब हमारा रिपोर्ट डायनेमिक होता है। जैसे कि मैं इस सेल्स डैशबोर्ड जो हमारा है, सेल्स प्रोडक्ट्स रीजन प्रोडक्ट वाइज, मैं एक बार ओपन, मेरे पास दो एप्लीकेशन है ना, डबल क्लिक करने ओपन नहीं होता है, मुझे ड्रॉप करना पड़ता है या फिर ओपन से ओपन करना होता है। ये देखिए, अभी हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिंपल सा रिपोर्ट है। इससे भी रिपोर्ट सिंपल में रिपोर्ट दिखाया कि इसमें इसमें रिपोर्ट है कि भाई प्रोडक्ट वाइज, मंथ वाइज, रीजन वाइज क्या सेल्स है, समझ गए? तो यहाँ पे रीजन 2 का दिख रहा है, अगर मैं चाहूँ कि रीजन 1 का दिखना तो इजीली हम यहाँ पे क्लिक करके पूरा रिपोर्ट हमारा रीजन 1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। मुझे सिर्फ 2011 नहीं चाहिए, 2012 चाहिए तो 2012 का आ जाएगा, 2011 करूंगा तो 2011 का आ जाएगा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का चाहिए तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यहाँ पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, ये फैसिलिटी तो हमें इसमें नहीं मिलेगी पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में तो हर किसी के लिए स्लाइड मुझे बनाना पड़ेगा, डायनेमिक तो नहीं होगा। नहीं जी, क्या? जी जी। अब एक और रिपोर्ट दिखाता हूं आपको, ये रिपोर्ट देखिए। यहां से आप ड्रॉप डाउन कीजिए और आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूरा आ जाएगा। यहाँ एक चीज और देखिए, इस पे कर्सर जा रहा है, ये आपका पैसिफिक क्या है, यूरोप का है, मिडिल ईस्ट का है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है आपको सर जी, कनाडा। तो इस तरह से चेंज हो रहा है। इस तरह की जो सर्विसेज है, इस तरह की जो एनालाइजिंग है, वो आपको पावर पॉइंट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बैकेंड में डेटा है और डेटा को एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे समरी बना के दे रहा है, और इसमें हमें चॉइसेस दे रहे हैं कि आप मान लीजिए कि सिंपल सी बात समझ जाइए इसमें सर कि आपको एक समरी बनाना है पूरे साल मंथ वाइज, तो पावर पॉइंट पे आप कितने स्लाइड बनाओगे? 12 स्लाइड बनाओगे, हर मंथ का अलग अलग स्लाइड बनाओगे ना सर जी। देखिए एक्सेल पे आप हो तो आपके पास एक ही सीट होगा, आप ऊपर से मंथ का चॉइस डाल, आपके पास एक ही सीट होगा और आप मंथ का चॉइस डाल दोगे, और जैसे वो ड्रॉप डाउन करेगा उसको हर महीने का रिपोर्ट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक्सेल यूज करते हैं, ठीक है सर जी सर। अब एक चीज और आता है वो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग। अब मान लीजिए कि आपको मुझे रिपोर्ट भेजना है, तो मैं आपको एक्सेल में रिपोर्ट भेज दूंगा, मुझे पता है कि आप एक्सेल में रिपोर्ट देख लेंगे। वही मैं आपको टैब्लू, एसक्यूएल और बहुत सारे ऐसे और भी एप्लीकेशंस है, उसमें अगर रिपोर्ट भेज दूं तो मुझे आइडिया नहीं है कि आप देख पाएंगे, आप उसको एडिट कर पाएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए ना सर। टैब्लू की रिपोर्ट फाइल भेजूंगा तो आपके पास टैब्लू पब्लिक होना चाहिए, नहीं ऐसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस रिपोर्ट को आप देख पाओगे। सेम बीआई टूल्स क्या, तो इसलिए हम एक्सेल का यूज करते हैं डेटा जैसे मिसलेनियस या स्मॉल डेटा को स्टोरेज के लिए, समरी एंड एनालिसिस के लिए, रिपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हमारा एनालिसिस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हर एंगल से और डायनेमिक, और शेयरिंग मतलब कि हम अपने रिपोर्ट्स, डेटा समरी जो भी हमने बनाया है उसको हर किसी को तो एक्सेल के जरिए, एक्सेल फाइल के जरिए हम शेयर करेंगे। और एक्सेल फाइल की खासियत यह है कि अगर मान लीजिए कि आपके पीसी में एक्सेल नहीं भी है तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे ओपन ऑर्ग है, एक्सेल व्यूअर है, और या फिर आप एक्सेल की स्पीड देख सकते हो ना, एक्सेल सीट जो होता है वो एक्सेल सीट पे भी जाके आप देख सकते हो। आप अपना मेल खोलोगे और मेल पे जाके डबल क्लिक करोगे और उसको आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो एक्सेल की यूज समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? आ गया सर। नहीं सर। तो ऑफिस में हम इसी तरह से इसका यूज करते हैं। ठीक है जी। अब इसमें आगे जी समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली एक फाइल होता है, उस फाइल के अंदर शीट्स होते हैं, शीट्स के अंदर आपका कॉलम एंड रो होता है और हर रो का एक एड्रेस होता है। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कैरेक्टर हो, वो आपका एक सेल की वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे हमने 3256 डाला तो A1 की वैल्यू 3256 है। अब कैलकुलेशन की बात करें तो मान लीजिए कि मुझे 3 + 2 करना है, तो आप इक्वल कोई भी कैलकुलेशन या फॉर्मूला के लिए इक्वल प्रेस करना होता है, 20 + 30 करके आप कर सकते हो, 50 हो गया। लेकिन 20 अगर किसी सेल पे है तो आप जो है उनको आपस में प्लस करने के लिए उसका रेफरेंस ले सकते हो कि A4 की वैल्यू प्लस B4 की वैल्यू, और आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। आ गया। बस एक और फीचर है कि यहाँ पे अगर आप कोई चेंज करते हो तो वो अपने आप को अपडेट भी करता है। अब कैलकुलेशन की बात आई है तो एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसे 85, 63 तक मैं नंबर देता हूँ। अब मैं इसमें +20 करता हूँ, रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, A1 + 20, फॉर्मूला आपको यहाँ भी दिख जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बार में तो A1 + 20, जैसे नीचे ड्रैग किया तो ये क्या हो गया, A2 + 20, A3 + 20। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपके पास अगर 10,000 कॉलम है तो आपको फॉर्मूला 1 में लगाना है और नीचे ड्रैग कर दीजिए, वो अपने आप को इंक्रीज कर लेगा। मतलब आपको 10,000 पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अब इससे एक बेनिफिट है तो एक नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए कि मैंने D1 पे 20 लिख दिया, अब मुझे एक ही जितने भी डेटा है उसमें D1 की वैल्यू को प्लस करना है। तो D1 कैसे हुआ, D colon and 1 row, इट मींस D1। तो इसको हमने +D1 कर दिया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो एक प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे देखिए A1 A2 बना, वैसे D1 D2 बन गया, A1 A2 बना तो D1 D2 बन गया। ठीक है, तो मैं अब दिक्कत हो गया। अब मुझे हर फॉर्मूला एक करके लगाना पड़ जाएगा, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे पास एक एब्सोल्यूट रेफरेंस करने का ऑप्शन होता है कि मैं 1 के आगे अगर एक सिंबल कोड लगा दूं, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, डॉलर का साइन लगा दूं तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। मतलब अब नीचे ड्रैग करूंगा तो हमारा देखिए A1 A2 हो गया, ये देखिए A1 A2 हो गया, बट D1 हमारा फिक्स रहा। क्यों? क्योंकि तो 1 मतलब कि रो के आगे A लगा हुआ है क्या, डॉलर का। अब अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूं तो देखिए A1 B2 हो गया और D1 E1 हो गया। तो हमने डॉलर का साइन 1 के आगे मतलब कि रो के आगे लगाया है। जब रो इंक्रीज होगा तो इंक्रीज नहीं करेगा, फिक्स रखेगा, बट हमने कॉलम का आगे नहीं लगाया हुआ है। अगर चाहते हैं कि कॉलम भी मेरा चेंज ना हो, D1 फिक्स रहे, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी रहे, तो आप दोनों तरफ डॉलर का साइन लगा दें। ठीक है, बना गया। ये एक कैलकुलेशन का मेथड था। अब देखिए आगे चल के आप एक्सेल सीखेंगे तो हो सकता है कि कोई ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, आप भूल गए, आपको थोड़ा ये पता ना हो, तो आप एक्सेल के किसी भी ऑप्शन पर कर्सर रखेंगे उसका स्क्रीन टिप्स आ जाएगा। उसके अलावा उस पर टेल मी मोर होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का हेल्प खुलेगा और उसमें उसके बारे में पूरा डिटेल हो जाएगा। अब जब भी लोग प्रॉब्लम होता है तो गूगल पे सर्च करते हैं, क्या सर? जी सर। गूगल पे जो चीजें दी जाती है हमेशा आप ऐसे लोग आर्टिकल में डाले हुए हैं, वो प्रूफ रीड नहीं है, लेकिन इसमें आपको 100% प्रूफ रीड होता है। इसी मान लीजिए मुझे सर्च करना है लिमिट्स को, तो लिमिट सर्च किया मतलब कि एक्सेल के किस फीचर की क्या लिमिटेशन है। यहाँ पे देखिए एसिडिफिकेशन एंड लिमिट्स आ गया आपका। ये ओपन वर्कबुक कितना ओपन कर सकते हैं, वर्कशीट की साइज क्या होता है, नंबर रो कॉलम कितना है, कॉलम विड्थ क्या है। तो इस लिमिटेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, उसको गर्लफ्रेंड के नंबर की तरह याद कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है, बट इसको पढ़ लीजिए। ओके, एक और चीज है शॉर्टकट कि अब मान लीजिए कि आप देखिए मैं शॉर्टकट नहीं यूज करता हूं। क्यों नहीं यूज करता हूं कि अगर मैं शॉर्टकट यूज करूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या यूज किया है, इसलिए मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता। लेकिन आपको शॉर्टकट यूज करना है, आपको शॉर्टकट का लिस्ट चाहिए, तो आप यहाँ शॉर्टकट सर्च करें, यहाँ आपको कीवर्ड एंड शॉर्टकट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपके सारे शॉर्टकट्स, इसको भी एक बार केयरफुली पढ़ लीजिएगा, ठीक है सर। तो आप एक्सेल लिमिटेशन और शॉर्टकट को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हुआ तो हमें अगली क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी सर। जी।